हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स वी हैव डिस्कस्ड इन अवर लास्ट यूट्यूब वीडियो, ठीक है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में डिस्कस किया था, उनके ड्रॉबैक्स के बारे में मैंने आपको बताया था, और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो नेक्स्ट टॉपिक है, नील्स बोर एटॉमिक मॉडल है, ठीक है। नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में कुछ जो उसके डायग्राम है और उन्होंने क्या हाइपोथेसिस दी थी, क्या परिकल्पनाएं थी नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल की, उसके बारे में मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूंगा, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, डे टू डे प्रैक्टिस करते रहें। अपनी रफ कॉपी निकाल करके बैठिए, पेन पेंसिल आपका मैंने बताया था, फेयर कॉपी रफ कॉपी दोनों निकाल करके बैठे जब साइंस का वीडियो देखें, ठीक है। और घर पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो, अभी आपके पास काफी टाइम है तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। लास्ट वीडियो में वी डिड डिस्कस ऑन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, अल्फा स्पेक्ट्रम पार्टिकल्स के बारे में बताया था मैंने, रदरफोर्ड के डायग्राम्स के बारे में आपको एक एक चीज मैंने आपको क्लियर की थी। और आई होप टू अगेन टू ऑल ऑफ नाइन्थ क्लास स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सभी स्टूडेंट से मैं आशा करता हूँ कि वो घर पर रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते रहें। फिर भी आपके अगर कोई डाउट्स है, कोई भी डाउट रहता है, ठीक है, पढ़ते टाइम और वीडियोस के दौरान आपके कोई भी डाउट है कि सर ये इसमें आपने ऐसा बताया था, इसमें ऐसा करें तो क्या होगा, तो आप मेरे इन कमेंटों की जानकारी के लिए, इन डाउट्स को क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब का कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करके टाइप कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, वी चैट के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम के थ्रू कर सकते हैं, आप मैसेजिंग के थ्रू कर सकते हैं, कॉलिंग के थ्रू कर सकते हैं, मैं एट एनी टाइम आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम एट एनी टाइम, ठीक है। सो यू कैन ईजिली डिस्कस मी एट एनी टाइम, ठीक है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, पढ़ते रहें, ठीक है। और यही आपका होमवर्क है, जो बच्चे सोच रहे हैं नाइन्थ क्लास के कि हमें तो होमवर्क नहीं मिला, होमवर्क से मतलब हमें क्या करवाया गया है, हम तो वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उन सभी स्टूडेंट से कहना चाह रहा हूँ कि ये जो आप मैं लिखता हूँ वीडियोज के दौरान आपको जो बताता हूँ, ये मैं खुद से ही आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, खुद से ही बनाकर आपको बता रहा हूँ, और यही आपका होमवर्क है। आप मैं आपसे बोलता हूँ ब्लैक पेन से हेडिंग डाले तो अपनी फेयर में उसी तरीके से करें, आफ्टर द ओपनिंग लॉकडाउन में आपकी कॉपी चेक करूंगा, ठीक है, और इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। और एक बात और कहना चाहूंगा, आपका जैसे कि अपने स्कूल में टेस्ट होता था मंडे को, तो इस बार भी आपका ऑनलाइन टेस्ट साइंस का मैं कंडक्ट करने जा रहा हूं, एक मैंने चैनल बनाया है, उस चैनल के थ्रू मैं आपको पेपर सेंड करूंगा, और आपको जो आपके व्हाट्सएप नंबर है वो अनिल जी सर जो आपके इंचार्ज है उनको अपने व्हाट्सएप नंबर जो एक्टिवेट है वो दे दीजिएगा, कोई एडिशनल नंबर हो तो वो भी उनको दे दीजिएगा, जिससे वो आपके जो मोबाइल नंबर है उनको व्हाट्सएप में ऐड कर सकें। आपका टेस्ट लिया जाएगा साइंस के थ्रू, जो राहुल जी सर आपका टेस्ट कंडक्ट करेंगे, ठीक है, उसको बिना किसी चीटिंग के ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से घर पर ही रहकर, सुरक्षित रहकर वो साइंस का टेस्ट देना है, खुद के टेस्ट का एनालिसिस भी खुद को ही करना है, ठीक है। आपको कॉपी खुद से चेक कर सकते हैं, और आप क्या करेंगे, जैसे कि मंडे टेस्ट में आपको स्कूल से कॉपियां मिलती थी, ठीक है, उसी तरीके से अपना एक रजिस्टर बना लें, या फिर रजिस्टर में से दो पेज का जॉइंट अप पेज निकाल लें, दो पेज उनको अटैच कर लें, और साइंस का मैं आपको पेपर सेंड करूंगा, उस टेस्ट को पहले क्वेश्चन उतारना, अपना नाम लिखना है, क्लास लिखना है, ठीक है, सब्जेक्ट लिखना है, ऊपर जो भी पेपर में लिखा जाएगा वो ऊपर एज इट इज मेंशन कर देना है, ठीक है। आपको वो क्वेश्चन भी लिखना है, उसका आंसर लिखना है, जितना आप तक पढ़ लिया वो सभी आपके टेस्ट में आएगा। चैप्टर 3 मैंने आपको पढ़ाया था, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, वो चैप्टर 3 था, जो मैंने आपको पहले की वीडियोस में पढ़ाए थे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में, वो सारा चैप्टर 3 के अंदर था, उसी में से ही आपका टेस्ट होगा। इसकी जानकारी और ज्यादा जानकारी आपको इंचार्ज सर से मिल जाएगी, आपको पूछने की जरूरत नहीं है, आप बस अपना व्हाट्सअप एक्टिवेट रखिए और व्हाट्सअप से कनेक्ट रखिए, हर वक्त आपको किसी भी वक्त जानकारी मिल सकती है, ठीक है, और कॉलिंग के थ्रू आप पूछ सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट होगा और आपको उसका एनालिसिस खुद से ही करना, बिना चीटिंग, पूरी ईमानदारी के साथ देना है, ठीक है। चलो जी, लेट्स कम ऑन द टॉपिक, बोर्स एटॉमिक मॉडल। 1913 में जो नील्स बोर थे, नील्स बोर ने 1913 में एटम से रिलेटेड, ठीक है, अपनी एक हाइपोथेसिस दी थी, ठीक है। नील्स बोर इन 1913 गेव अ हाइपोथेसिस टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। मैंने आपको कल एक पॉइंट लिखवाया था कि नील्स बोर ट्राइड टू ओवरकम ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बाय यूजिंग क्वांटम एटॉमिक थ्योरी ऑफ, ठीक है, फिजिक्स की क्वांटम एटॉमिक थ्योरी के आधार पर दिया गया था। नील्स बोर एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम, हेडिंग डाल दीजिए और उसमें लिखिए नील्स बोर, NEILS, नील्स, ठीक है, बोहर, BOHR। नील्स बोर ने क्या किया था, 1913 में
ठीक है, 1913 की बात है, 1913 में उन्होंने एटम से रिलेटेड हाइड्रोजन एटम की एक हाइपोथेसिस दी थी, एक परिकल्पना दी थी, और उस परिकल्पना के अनुसार अकॉर्डिंग टू हिज हाइपोथेसिस, ठीक है, ही वाज सेट, क्या बोला था कि जो सेल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन जिन सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाते हैं, ये न्यूक्लियस हो गया, इलेक्ट्रॉन जिन सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाते हैं उन्हें सेल्स बोलते हैं, जैसे कि सन के चारों तरफ अर्थ चक्कर लगाता है और अर्थ के चारों तरफ मून राउंड होता है, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में मूव होते हैं जिन्हें शेल्स बोला गया है। मैंने आपको 8th क्लास में भी क्लियर किया था और अगेन आई मैं क्लियर कर देता हूं आपको, आई क्लियर डेट टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, ये एटम हो गया, ठीक है, एटम का ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, एटम का न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट शेल, ये सेकेंड शेल, ये थर्ड शेल, ये फोर्थ शेल, जितनी आप शेल बनाओगे शेल बढ़ती जाएंगी, ये सबसे पहले जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सबसे पास वाली शेल, जो पास वाली शेल है उस पास वाली शेल को बोलते हैं n इक्वल टू 1, ठीक है, फिर है n इक्वल टू 2, फिर है n इक्वल टू 3, फिर है n इक्वल टू 4, जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी। n स्मॉल n किसको रिप्रेजेंट करता है, ये स्मॉल n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ शेल, किसको रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ शेल, शेल का मतलब कोश, क्लास, एनर्जी लेवल, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं। एन इक्वल टू 1 यानी कि फर्स्ट सेल, एन इक्वल टू 2 यानी कि सेकंड सेल, एन इक्वल टू 3 यानी कि थर्ड सेल, एन इक्वल टू 4 यानी कि फोर्थ सेल, ऐसे एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। एन इक्वल टू फर्स्ट सेल का नाम दिया जाता है के, कैपिटल में के लिखा है मैंने, तो मैं पूछू एन इक्वल टू 1 का नाम है के, एन इक्वल टू 2 का नाम है एल सेल, ये के सेल हो गई, ठीक है, ये एल सेल, एन इक्वल टू 3 M shell, N equals to 4, N shell, इस तरीके से dot 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 so on ये चलती रहेंगी, ठीक है। Let's come on the topic, सबसे पहले आप लिखिएगा, बहुत easy topic है, बहुत easy करके पढ़ा रहा हूँ आपको, खुद से ही आपको theory लिखवा रहा हूँ, तो so please इस theory को miss नहीं कीजिएगा, आप सोच रहे हैं कि हम theory ना लिखें, आपको theory से बहुत benefit होना वाला है, 10th में भी आपको ये theory ना मिलेगी और मुशायदी मिल सकती है और 11th में भी आपको मिलेगी, लेकिन आपको एडवांस में ये थ्योरी मिल रही है तो आप ज्यादा ज्यादा इसको सीखने की कोशिश करिएगा। लिखिएगा नील्स बोर, ठीक, ब्रैकेट में लिख दो, इन 1913 में नील्स बोर ने क्या किया था, गेव ए हाइपोथेसिस टू एक्सप्लेन, ठीक है, क्या एक्सप्लेन किया था, द स्ट्रक्चर एंड स्पेक्ट्रम, द स्ट्रक्चर STRUCTURE स्ट्रक्चर एंड, मेरे लिरिक्स पे ध्यान दीजिएगा, मेरी वर्डिंग्स पे ध्यान दीजिएगा, मैं जो लिख रहा हूँ वो शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चर एंड स्पेक्ट्रम, ठीक है, स्पेक्ट्रम ऑफ, ठीक है, ऑफ अ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, ऑफ अ हाइड्रोजन HYDROGEN हाइड्रोजन एटम, ठीक है, दैट इज क्लियर, एटम से रिलेटेड उन्होंने हाइपोथेसिस दी थी जो उसके स्पेक्ट्रम और स्ट्रक्चर से रिलेटेड थी, ठीक है, कुछ उन्होंने एजम्पशन भी लिए थे, ठीक है, आगे देखिएगा, उन्होंने कुछ इसके इस एटम से रिलेटेड नील्स बोर ने कुछ रिप्रेजेंट किया था एटॉमिक मॉडल, तो उन्होंने बताया था कि आफ्टर द जो रदरफोर्ड मॉडल है, रदरफोर्ड मॉडल जो मैंने पहले बताया था, ठीक है, ये रदरफोर्ड मॉडल था पूरा, इसके कंप्लीट होने के बाद नील्स बोर ने प्रपोज किया एक मॉडिफाइड मॉडल ऑफ एटम, ठीक है, तो नीचे लिखिएगा, इसमें लिखिएगा आफ्टर द लिमिटेशन या ड्रॉबैक्स, जो ड्रॉबैक्स थी, ठीक है, ड्रॉबैक्स किसकी, रदरफोर्ड की ड्रॉबैक्स के बाद उन्होंने नील्स बोर ने अपना मॉडल रिप्रेजेंट किया था, तो आफ्टर द ड्रॉबैक्स को लिमिटेशंस भी बोलते हैं, लिमिटेशन का मतलब कमियां या ड्रॉबैक्स का मतलब भी कमियां ही होता है, तो लिमिटेशंस लिख लें या ड्रॉबैक्स लिख लें कोई सा भी एक वर्ड लिख लें, आफ्टर द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको शॉर्टकट में नहीं चलना, आपको पूरा लिखना, मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुन करके यूट्यूब की स्पीड को स्लो कर करके होमवर्क करना है। नील्स बोर प्रपोज्ड, ठीक है, नील्स NEILS नील्स बोहर, ठीक है, प्रपोज्ड PROPOSED प्रपोज्ड अ मॉडिफाइड MODIFID मॉडिफाइड, ठीक है, मॉडिफाइड मॉडल MODEL मॉडल ऑफ एन एटम, उन्होंने एटम का एक मॉडिफाइड मॉडल रिप्रेजेंट किया, ठीक है, नील्स बोर मॉडल के जो पोस्टुलेट्स हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड वो कुछ इस प्रकार है, तो मैं यहां पर आप ब्लैक पेन से हेडिंग डालिएगा, स्टार लगा करके हेडिंग डालो, मैन पोस्टुलेट्स POSTULATES मैन पोस्टुलेट्स, ठीक है, ऑफ बोर्स मॉडल,
ऑफ वर्ड्स, ठीक है, मॉडल MODEL. मैन पोस्टुलेट्स, मैंने यहां पर लिखा मैन पोस्टुलेट्स ऑफ बोर मॉडल, ठीक है, ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर STRUCT स्ट्रक्चर, ठीक है, आर फॉलोस कुछ इस प्रकार. इसको ब्लैक पेन से लिखना और अंडरलाइन कर देना, ठीक है. मैंने यहां पर हेडिंग डलवाई है आप लोगों को, मेन पोस्टुलेट्स ऑफ बोर मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर. जो बोर मॉडल का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसके कुछ पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा. तो वो पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिवॉल्व होते हैं सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के चारों तरफ, एक डेफिनेट सर्कुलर पाथ में, जिन्हें क्या बोला जाता है, ऑर्बिट या शेल बोला जाता है, ठीक है. देखिएगा फर्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा, पॉइंट स्टार्ट करें, इलेक्ट्रॉन्स अराउंड AROUND अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस या रिवॉल्व लिख लीजिए, रिवॉल्व कर लीजिए इसको यहां पर, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व REVOLVE इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, इन ए डेफिनेट सर्कुलर पाथ, ठीक है, इन अ डेफिनेट DEFINITE यानी कि निश्चित डेफिनेट सर्कुलर पाथ, इन ए डेफिनेट सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स, इन्हें क्या बोलते हैं, कॉल्ड ऑर्बिट्स ORBITS ऑर्बिट्स, और इसका दूसरा भी नाम है और शेल SHELL इन्हें ऑर्बिट या शेल बोलते हैं, ठीक है, शेल्स, ठीक है, एनर्जी लेवल भी बोला जाता है, ऐसी बात नहीं है, एनर्जी लेवल बोल सकते हैं, ठीक, क्लास बोल सकते हैं, ऑफ एन एटम, एटम की शेल. फर्स्ट पॉइंट मैंने यहां पर क्लियर किया है आप लोगों के लिए, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ डेफिनेट सर्कुलर पाथ, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ एक निश्चित वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं, ठीक है, जिन्हें क्या बोला जाता है, ऑर्बिट और शेल उस एटम की यानी कि उस परमाणु की. तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ डेफिनेट सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स और शेल्स ऑफ एन एटम, ठीक है. सेकेंड पॉइंट आप लिखिएगा, जो ऑर्बिट होती है वो एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरी करती है, इसलिए इन्हें एनर्जी लेवल भी कहा जाता है. तो ईच ऑर्बिट इज एसोसिएटेड, इसमें लिखिएगा सेकंड पॉइंट, ईच ऑर्बिट, ठीक है, ईच ऑर्बिट ORBIT ऑर्बिट इज एसोसिएटेड ASOCIATED एसोसिएटेड यानी कि संयोजन जुड़ना एसोसिएटेड विद अ डेफिनेट DEFINITE विद अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट AMOUNT अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी ENERGY अमाउंट ऑफ एनर्जी मैंने यहां लिखा है, ईच ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विद अ डेफिनेट अमाउंट AMOUNT अमाउंट ऑफ एनर्जी, सो दे आर ऑल्सो नोन एज एनर्जी लेवल. सो ठीक है, आगे लिखिएगा इसमें, सो दे आर ऑल्सो नॉन KNOW नॉन एच क्या बोला जाएगा, एनर्जी लेवल्स ENERGY एनर्जी लेवल्स LEVELS इसलिए एनर्जी लेवल बोलते हैं. क्यों बोलते हैं, क्योंकि हर एक ऑर्बिट जो होती है एसोसिएट होती है एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करती है, यानी कि हर एक ऑर्बिट के पास अपनी अपनी एक एनर्जी होती है, अपनी अपनी एक एनर्जी होती है, ठीक है, इसलिए इन्हें एनर्जी लेवल्स भी कहा जाता है. नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा इसमें, हो गया, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा इसमें, कितने पॉइंट, हाउ मेनी पॉइंट्स वी आर कंप्लीटेड, आई थिंक सेकंड पॉइंट्स, थर्ड पॉइंट आप लिखिएगा इसमें, मेंशन करिएगा, ठीक है, एनर्जी लेवल्स हो गया, कि शेल्स जो ऑर्बिट होती है उन्हें नाम दिया गया है KLMN, ठीक है, आप लिखिए शेल्स और ऑर्बिट ऑफ एन एटम, ठीक है, शेल्स HASHELLS शेल्स और ऑर्बिट्स ORBITS शेल्स और ऑर्बिट्स, ठीक है, ऑफ एटम आर, ठीक है, मैंने आपको अभी एक डायग्राम बना के बताया था जिसमें शेल्स और उसके बारे में बताया था, ठीक है, आपको डिजाइन की गई थी ये SKLMN, ठीक, ठीक है, शेल्स और ऑर्बिट्स ऑफ एटम आर डिजाइनेटेड DESIZE, ठीक है, क्या लिखा, DESIZNATED डिजाइनेटेड,
ठीक है, डिजाइन का मतलब उसे आकार दिया गया था। शेल्स और ऑर्बिट ऑफ एटम आर डिजाइनेटेड, डीई एस आई जी एन ए टी डी, डिजाइनेटेड, ठीक है। किसकी फॉर्म में, एस क्या क्या दिए गए थे, के, कैपिटल में लिखना भैया सभी स्टूडेंट्स ध्यान रखना, कैपिटल में लिखना के, ठीक है, एल कैपिटल में, एम एन इस तरीके से लिखना, देख लीजिए के एल एम एन, फुल स्टॉप लगा दीजिए। ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, दे रिप्रेजेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स, ठीक है, फुल स्टॉप लगा के लिखिए, दे रिप्रेजेंट, आर ई पी आर ई एस ई एन टी, दे रिप्रेजेंट डिफरेंट, डी आई डब्ल्यू एफ एन ए, डिफरेंट ऑर्बिट्स, ओ आर बी आई टी एस, दे रिप्रेजेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स, ठीक है। डेट इज आई ई लिख रहा हूं, आई ई का मतलब समझ जाना, डेट इज आई डॉट ई डॉट का मतलब होता है डेट इज, डेट इज, ठीक है, कॉमा लगा दीजिए, एन स्मॉल एन इक्वल टू वन कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा फोर, ठीक है, इस तरीके से आगे चलता रहेगा, डॉट 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 कर दीजिए, ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, इट इज नॉट कंपल्सरी टू राइट टू एनी मोर, ठीक है, ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, रेस्पेक्टिवली। अब मैंने यहां पे क्या लिखा, के एल एम एन, देखिए के एल एम एन लिखा है मैंने, आगे लिखा दे रिप्रेजेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स दैट इज एन इक्वल टू वन टू थ्री फोर, यानी कि एन इक्वल टू वन को के बोला जाएगा, ठीक है, एन इक्वल टू टू को क्या बोला जाएगा एल, एन इक्वल टू थ्री को एम, एन इक्वल टू फोर को एन बोला जाएगा, ठीक है। आपको एक छोटा सा मैं डायग्राम बना के बता रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ, बना लीजिएगा, एक ये न्यूक्लियस बनाना है आपको, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज, प्रोटोन न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन कोई चार्ज कैरी नहीं करता, तो प्रोटोन का चार्ज इस पर एप्लीकेबल होता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हो गया, एक सेकंड, ये काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है, थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूं मैं, ठीक है। सिस्टमेटिक डायग्राम बनाने ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, सिस्टमेटिक डायग्राम बनाना है, पेंसिल की हेल्प से ही बनाना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। इसके अंदर लिख दिया इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये हो गया, इसको इस तरीके से ये एक राउंड शेप हो गया, ठीक है, इसके अंदर मैंने इलेक्ट्रॉन लिखा है ई माइनस, ठीक है, ऐसे सेकंड शेल बनाइएगा इस तरीके से, ठीक है, ये बना दिया मैंने सेकंड शेल, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, इस तरीके से हो गया, ये आगे समझ में, ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, तो इसको आप नाम दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको दे दो न्यूक्लियस, क्या नाम दे दो न्यूक्लियस, ठीक है, इसको दे दीजिए फर्स्ट ऑर्बिट, यहां लिख रहा हूं मैं फर्स्ट, एफ आई आर एस टी, फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है, ओ आर बी आई टी, इसको दे दूंगा मैं सेकेंड ऑर्बिट, एस ई सी ओ एन डी, सेकेंड ऑर्बिट, ठीक है, मैंने क्या नाम दिया फर्स्ट ऑर्बिट एंड सेकेंड ऑर्बिट, डेट इज क्लियर, तो यानी कि फर्स्ट वाली हो गया, फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब ब्रैकेट में लिख दो एन इक्वल टू वन, सेकेंड ऑर्बिट एन इक्वल टू टू, ठीक है, इसके आगे एरो लगा करके लिख दो एन, यहां पर लिखा मैंने फर्स्ट ऑर्बिट एन इक्वल टू वन इक्वल टू के शेल, क्या लिखा के शेल, यहां लिखा सेकेंड ऑर्बिट ब्रैकेट में लिखा एन इक्वल टू टू, आगे एरो लगाकर लिखो एल शेल, क्या लिखा एल शेल, क्लियर है अब तो, आई थिंक अब कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आप सभी बच्चों को, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, फोर्थ पॉइंट हेडिंग डाल दीजिएगा, फोर्थ पॉइंट क्या है, देखिए थर्ड थ्री पॉइंट्स हो चुके हैं, फोर्थ पॉइंट में कह रहा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं किसी भी ऑर्बिट के, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं अपन उसको निकालने का फॉर्मूला है टू एन स्क्वायर, ठीक है, तो आप लिखो इसमें लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आगे लिखिएगा द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्लियर है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन ईच ऑर्बिट, प्रत्येक ऑर्बिट में, इन ईच ऑर्बिट्स, ठीक है, इस एक्यूमुलेटेड बोल सकते हैं या इस गवर्न्ड, जी ओ वी ई आर एन ई डी, मैंने क्या लिखा है नेक्स्ट पॉइंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑर्बिट, प्रत्येक ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इज गवर्न्ड, जी ओ वी ई आर एन इज गवर्न्ड बाय द फॉर्मूला, ठीक है, बाय द फॉर्मूला एफ ओ आर एम यू एल, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, पहले भी बता चुका हूं और अभी भी मैं रिपीट करूंगा, 2n स्क्वायर वो फॉर्मूला होता है, क्या होता है 2n स्क्वायर, देख लीजिए क्या फॉर्मूला होता है वो 2n स्क्वायर, यहां पर लिखा है मैंने 2n स्क्वायर, ठीक है, 2n स्क्वायर की हेल्प से आपको वो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट के अंदर वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है, बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें, व्हेन आप लिखिएगा नेक्स्ट में, व्हेन n इक्वल टू वन, जब n इक्वल टू वन हो तो डेट इज आई डॉट ई डॉट लिख रहा हूं, आई डॉट ई डॉट का मतलब है डेट इज
कौन सी शेल, की शेल, के एस एच ई डब्ल्यू एच। मैंने लिखा एन इक्वल टू वन, आपको होमवर्क में करना है, ये सब कुछ लर्न भी करना है। मैंने आपको वीडियो स्टार्ट हुआ था तो एक बात कही थी कि आपका ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करने जा रहा हूँ। राहुल जी सर आपके लिए एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बना रहे हैं खुद से ही, और आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको जो मंडे आने वाला है, अपकमिंग मंडे, इसकी जानकारी टेस्ट के और अनिल जी सर के थ्रू आपको दे दी जाएगी, व्हाट्सएप पे आपको सेंड कर दी जाएगी। आपने को मैंने जो मैं लास्ट वीडियो जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के नाम से एक चैप्टर पढ़ाया था, याद हो आपको, इफ यू रिमेम्बर, ठीक है। आई टॉट यू चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो द अपकमिंग मंडे टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन डेट ऑफ चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड दैट द सिलेबस आर नॉट इन अ लार्ज स्केल, ठीक है। द मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स ऑफ चैप्टर 3 विल इंक्लूडेड इन दैट चैप्टर ऑफ चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल्स एंड आई होप टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स ऑल द स्टूडेंट्स ठीक है विल प्रिपेयर जो जितने भी स्टूडेंट है अपने आपको प्रिपेयर कर लेंगे टेस्ट के लिए, ठीक है। और उसी चैप्टर चैप्टर नंबर 3 में से ही 3 में से ही एटम एंड मॉलिक्यूल्स में से आपका टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। घर पर जॉइंट पेज निकाल करके आप उसमें टेस्ट करेंगे, सिस्टमेटिक डायग्राम जो भी लिखना है, क्वेश्चन आंसर लिखने पूरे, और मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड कर देना है राहुल सर के नंबर पर, ठीक है। और अंजी सर से आप कॉन्टेक्ट कर लेना, ठीक है। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक। एन इक्वल टू वन लिखा है मैंने यहाँ पर, डेट इज की शेल, ठीक है। आगे आ जाओ, इसका फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। नीचे क्या लगाना, फॉर्मूला 2n स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2 इंटू एन का स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा n का स्क्वायर है, ना कि 2 का स्क्वायर। आप 2 का स्क्वायर मत कर देना, ठीक है। आपको 2 का स्क्वायर नहीं करना है, n का स्क्वायर करना है। देखो n की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 का स्क्वायर करना है। आप ये मत कर देना कहीं फॉर्मूला ऐसे समझ लो आप 2n स्क्वायर। इस केस में तो ये 4n स्क्वायर हो जाएगा, डेट विल बी रॉन्ग, ये गलत है पूरी तरीके से, ठीक है, ये रॉन्ग है। फॉर्मूला है 2 इंटू n का स्क्वायर, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स। आगे लिख दीजिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, डेट इज क्लियर। चलो जी, 2 इलेक्ट्रॉन्स के बाद वेन, अब आगे आ जाओ, वेन एन इक्वल्स टू 2, डेट इज, ठीक है, डेट इज एल शेल, डेट इज एल शेल, यानी कि वही 2 इंटू n का स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर करना है, पूरे का स्क्वायर मत कर देना। तो 2 इंटू, ये 2 का स्क्वायर कितना था, 4 4 मल्टीप्लाई भाई 2 कर दो, 8 इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, डेट इज क्लियर। अब आ जाओ n इक्वल टू 3, वेन n इक्वल टू 3, ठीक है, डेट इज के एल एम शेल, कौन सी शेल, एम शेल, तो क्या हो जाएगा 2n का स्क्वायर। फॉर्मूला लिखे आपको ऐसे की ऐसे ही करना, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 2 18 इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। n इक्वल टू 4 रख दीजिए, वेन, ठीक है, n इक्वल टू 4, यानी कि डेट इज एन शेल, कौन सी शेल, एन शेल, ठीक है, क्लियर है, डेट इज एन शेल, देख लीजिए डेट इज एन शेल। आपको यदि कुछ ऐसा लगता है तो YouTube वीडियो को पॉज कर सकते हैं, वहीं स्टॉप करके आप होमवर्क में कर सकते हैं, ऐसे नहीं कंटिन्यू वीडियो में करें आप, उसको स्टॉप का बटन आप जानते हैं, जैसे कि वीडियोस देखते हैं कभी आप स्टार्ट और स्टॉप करते हैं, ऐसे YouTube को भी स्टार्ट स्टॉप किया जा सकता है, ठीक है। तो आप स्टार्ट या स्टॉप करके भी उसको अगेन रिपीट करके देख सकते हैं। लेट्स कम ऑन द टॉपिक, 2 इंटू कितना हो गया 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दीजिए, कितना हो गया 32 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये आपके मैक्सिमम नंबर्स ऑफ निकालने का फॉर्मूला है शेल के अंदर। अब इसका मतलब क्या है, एन इक्वल टू 1, मैं पूछू एन शेल में, मैं पूछू के शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, मैं पूछू आपसे एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 18, मैं पूछू एल शेल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन फील्ड 8 इलेक्ट्रॉन, मैं आई आस्क यू, ठीक है, मैंने पूछा एन शेल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन फील्ड किए जा सकते हैं 32। वीडियोस काफी लेंथी हो चुका है, कंप्लीट होने वाला है, अगले वीडियोस में मैं नील स्कोर का थोड़ा सा और रह रहा है रिमेनिंग, उसको और कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करिएगा और जो रिपीट करना होगा मैं रिपीट कर दूंगा। ये मैं पूछू एन शेल के लिए एन की वैल्यू 4, मैं पूछू के शेल के लिए एन की वैल्यू 1, मैं पूछू एल शेल के लिए एन की वैल्यू 2, मैंने पूछा एम शेल के लिए एन की वैल्यू, तो आपको हर तरीके से इसको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक, आगे देखिए, बट द लास्ट शेल, इसमें नीचे लिखिएगा बट द लास्ट शेल, एस एच ई डब्ल्यू एल, बट द लास्ट शेल
ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं बैलेंस शेल, ब्रैकेट में लिखो बी ए एल एन सी, बैलेंस शेल, ठीक है। कैन नॉट हैव मोर देन, आगे लिखो कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे स्टार लगा करके लिखते हैं, बट द लास्ट शेल यानी कि बैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं, ठीक है। आगे लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट फिफ्थ नंबर का, द एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स, लिखिएगा द एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स, ऑर्बिट्स की जो एनर्जी होती है गोज ऑन, GOES, गोज ऑन क्या होती है, वो बढ़ती जाती है, इंक्रीजिंग, गोज ऑन इंक्रीजिंग एज, कब बढ़ती है, जब वो मूव करते हैं अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, एज दे मूव, THEY, दे मूव किसके लिए, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है ये, किसकी बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की, दे मूव अवे, AWAY, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, फ्रॉम द, क्या लिखा मैंने, द एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स goes on increasing as they move away from the nucleus, ठीक है, that is clear, away from the nucleus, तो हम क्या लिख सकते हैं कि capital में, ठीक है, फिर is less than L, is less than M, is less than N, तो K, L, M, N, dot, 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 ये चलता रहेगा, so on, K की सबसे कम, उससे ज्यादा L, उससे ज्यादा M, उससे ज्यादा N, मैंने फिफ्थ पॉइंट अगेन आई रिपीट, द एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स, ठीक है, गोज ऑन इंक्रीजिंग, बढ़ती जाती है एनर्जी, क्यों बढ़ती है, जब वो क्या करते हैं, मूव करते हैं, एज दे मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस से, ठीक है। वीडियोस काफी लेंथी हो गया है, अगली वीडियो में मैं नील्स बोर का थोड़ा बहुत रह रहा है, ठीक है, रिमेनिंग वो रिपीट कर दूंगा, और लास्ट में कहना चाहूंगा, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को प्रैक्टिस करते रहें, लर्न करते रहें, कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी टाइम पर, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहें, आपके पास बहुत टाइम है घर पर पढ़ने के लिए, सो लेट्स, ठीक है, घर पर पढ़ें, घर वालों को सुरक्षित रखें, अपने परिवार वालों की सेफ्टी करें, स्टे होम एंड स्टे सेफ, और कोई भी डाउट हो आप किसी भी टाइम पर क्लियर कर सकते हैं, थैंक यू, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, लेट्स, बाय बाय, सी यू।